हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही टेस्टी यम्मी लौकी मलाई कोफ्ता, जो बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही सॉफ्ट है, साथ ही इसे बनाना बहुत आसान है और उन चीज़ों से जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लौकी आधा किलो, अजवाइन एक स्पून, बेसन आधा कटोरी और तेल कोफ्ते के लिए। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 3 प्याज, 4 टमाटर, कुछ लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और 3 स्पून मूंगफली है ये। उसके बाद सूखे मसालों में मैंने लिया जीरा, सरसों, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुछ सूखे मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी, जावित्री और 3 काली मिर्च, फिर नमक, हींग, बारीक कटी धनिया पत्ती, उसके बाद आधी कटोरी दही, आधी कटोरी मलाई। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने प्याज और टमाटर को बड़े बड़े क्यूब में कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने उन्हें डाला है कुकर में। अब मैं डाल रही हूँ मूंगफली, ये 3 स्पून है। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। अब आधा ग्लास पानी डाल के मैं कुकर बंद करके 2 विजल आते तक मैं इसे गैस पे रखूँगी। तब तक के मैंने लौकी को छील लिया है, छील के अब मैं इसको खींच रही हूँ। लौकी को खींच के अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 स्पून नमक। नमक डालने से लौकी में जो पानी है वो पूरा निकल जाएगा। नमक डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हाथ से दबा दबा के पूरा पानी निकालना है। जितना पानी आप निकाल सकते हो उतना निकालना। ऐसे करने से कोफ्ते बहुत टेस्टी बनेंगे क्योंकि उसमें बेसन कम लगेगा। अगर हम लोग लौकी से पानी नहीं निकालेंगे तो बेसन ज़्यादा लगेगा। अब ये पानी मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने लौकी में से पूरा पानी निकाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बाकी के मसाले। सबसे पहले मैंने अजवाइन लिया, अजवाइन को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। ऐसा डालने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन अच्छा होगा। उसके बाद 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून हींग, थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ 1/2 स्पून, फिर उसके बाद 1 पिंच जितना नमक, ये कंपलसरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने डाला है बेसन 4 स्पून। बेसन में डाल के यहाँ पे मिक्स करूँगी, मैं चेक करूँगी, अगर ठीक है तो मैं और बेसन डालूँगी, नहीं तो नहीं। बट थोड़ा सा कोफ्ते का बैटर गीला लग रहा है तो मैं 1 स्पून और बेसन डालूँगी। इसमें मैंने कम्प्लीटली 5 स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। अभी कोफ्ते के लिए बैटर रेडी है, मैं इसके बना रही हूँ कोफ्ते। ये कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है। हमने हाथ से एकदम प्रेस करके पूरा पानी निकाला, इसलिए इसमें बेसन कम लगा। बेसन कम लगा तो लौकी का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो आएगा और कोफ्ते बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो बेसन ज़्यादा लगेगा और कोफ्ते उतने टेस्टी नहीं लगेंगे। अब तेल गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ कोफ्ते। डालते समय तेल गर्म था, फिर मैंने मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लिया है। कोफ्ते को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर लो फ्लेम पे करेंगे, धीमी आंच पे, तो तेल बहुत ज़्यादा सोख लेंगे। इसी तरीके से अभी मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। ये सब्जी रोटी, चावल, नान, पराठा किसी के भी साथ खाओ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे वैसे तो लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बट कोफ्ते पराठे बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। अब कोफ्ते रेडी हैं, ये भी पक गया है। अब मैं उनको ग्राइंड कर लूँगी, टमाटर, प्याज और फल्ली को। अब मैंने रखा एक कढ़ाई, उसमें डाला है 3 स्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने डाला है तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री और लौंग। खड़े मसाले आप स्किप भी कर सकते हो या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, आपको यही सब डालना है। उसके बाद मैंने डाला 1/2 स्पून जीरा और सरसों। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जैसे ये क्रैकल हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ पेस्ट जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था, टमाटर, प्याज, फल्ली का। इसको थिक करने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो काजू भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ, तब तक जब तक ये मसाला थोड़ा भुन ना जाए। मसाला जैसे थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही मैंने आधी कटोरी इस्तेमाल की है और आधी कटोरी मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो 1 कटोरी दही या 1 कटोरी मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दही डाल के इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। मैंने डाला 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर। मिर्ची हमने ग्राइंड करते समय भी डाला है ग्रेवी के लिए, फिर कोफ्ते में भी डाला है, इसमें भी डाल रहे हैं, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी मलाई। ये घर की मलाई है जो दूध के ऊपर से हम निकालते हैं। इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। मलाई डालने से ग्रेवी में शाइन आता है, एकदम इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत रिच लगती है, इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं डाल रही हूँ लौकी का पानी, जिसे हमने कोफ्ते बनाने से पहले हाथ से प्रेस करके निकाल लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूँगी पानी।
पानी आप उतना डालना जितना आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया, उसको भी डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। कोफ्ते की सब्ज़ी बनाते समय, चाहे वो पालक के कोफ्ते हो या लौकी के या कोई भी कोफ्ते, ग्रेवी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्ते बनने के बाद जब हम कोफ्ते डालते हैं तो वो ग्रेवी को सोख लेता है और जो ग्रेवी है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है। तो कोफ्ते डालने से पहले ग्रेवी थोड़ी सी पतली रहनी चाहिए। अब मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर लेना। अब मैं इसे ढक के 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने रख दूँगी। 4 मिनट हो गया है, मैं चेक कर रही हूँ, हमारी ग्रेवी अच्छी पक चुकी है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकानी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं इसको मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोफ्ते के लिए ग्रेवी बन के रेडी है। जब भी आप सर्व करोगे उसके पहले आप कोफ्ते डाल के सर्व करना। अभी मैंने धनिया पत्ती डाल के गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। हमारी ग्रेवी बन के रेडी है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैं इसे कर रही हूँ सर्व। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। मैं ग्रेवी को निकाल रही हूँ बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। उसके बाद मैं इसे गार्निश करूंगी फ्रेश क्रीम मलाई और धनिया पत्ती के साथ। आप भी ये टेस्टी लौकी मलाई कोफ्ता बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।